ज्ञानवापी मस्जिद, एक विस्तार से छोटे में प्रमुख बातें। ज्ञानवापी मस्जिद आलमगीर मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, वाराणसी में स्थित है। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनाया। ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। 2022 में सर्वे होने के बाद इस पर और चर्चा हो रही है। इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बनाए जाने का इतिहास विवादित है। आमतौर पर माना जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी गुप्त साम्राज्य के दौरान मंदिर का निर्माण किया था। मोहम्मद गोरी के आदेश से 1194 में मंदिर नष्ट हुआ और मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद बनाई। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1776 टू 1978 के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के पास मंदिर का जीर्णोद्धार किया। न्यायिक लड़ाई। 1936 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमाज के अधिकार के लिए जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। 1942 में उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा और 1991 में मंदिर निर्माण के लिए मुकदमा दायर किया गया। 1998 में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी गई। 2022 में मई तक सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाई। अप्रैल 2022 में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष का विरोध हुआ, लेकिन न्यायालय ने सर्वे को इनकार किया। विशेष कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम, विशेष कमिश्नर विशाल सिंह, सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह। सर्वे की तारीखें। पहला सर्वे 14 मई से 16 मई 2022। दूसरा सर्वे 6 मई से 7 मई 2022। पहला सर्वे अजय कुमार मिश्र। सर्वे दौरान मंदिरों के पुराने मंदिरों के अवशेष मिले, हिंदू आस्थाओं से जुड़े कई निशान मिले, चार तहखानों के ताले खुलवाए गए, उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, शिवलिंग की भी मिली जगह को सील करने का आदेश। दूसरा सर्वे विशाल सिंह। सर्वे दौरान हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिले, शिवलिंग के बताए जाने वाले पत्थर की डिटेल्ड जानकारी, वजूखाने में 2.5 फीट का गोलाकार आकृति जो शिवलिंग जैसी दिखती है, फव्वारे पर विवाद। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया, परंतु मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। उपयुक्त विशेषज्ञों की राय लेने के लिए अगले सर्वे का इंतजार कर रहा है। न्यायिक कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मिश्र को 18 मई को कमिश्नर पद से हटाया गया। 19 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई, सुनवाई नहीं हो सकी। अजय मिश्र ने 6 और 7 मई के सर्वे की रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया। समाप्ति। सभी निशान और रिपोर्टों के बावजूद विवाद जारी है, आगामी सर्वे की प्रतीक्षा जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद। सबसे महत्वपूर्ण बातें। 1. नए कमिश्नर ने नेतृत्व संभाला। विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया, जो सर्वे टीम का नेतृत्व करेंगे। 2. सर्वे के दौरान शिवलिंग का दावा। सर्वे में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। 3. सर्वे में महत्वपूर्ण खोजें। दीवारों पर फूल की आकृतियां और कलाकृतियां मिली, तहखानों में पुराने मंदिर के संकेत, गोलाकार शिवलिंग का उल्लेख और वीडियोग्राफी। 4. सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई और सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु रिपोर्ट लीक हो गई। 5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट। सर्वेक्षण ने मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर के संकेत मिले। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के अनुसार मंदिर के अवशेष 2000 साल पुराने हो सकते हैं। 6. सर्वे रिपोर्ट के बाद की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किया। सुनवाई जुलाई में होगी, जज ए के विश्वेश की जिम्मेदारी। ज्ञानवापी सर्वे पर वीडियो।
मुख्य बिंदु हैं, 1. वैज्ञानिक सर्वे का परिचय। एएसआई सर्वे में 8 तकनीकों का सहारा लिया गया। डीजीपीएस, जीपीआर, थर्मोहाइग्रोमीटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। 2. सर्वे की टीम, करीब 175 विशेषज्ञों शामिल होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. ज्ञानवापी सर्वे के नतीजे, मंदिर और मस्जिद के संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण नतीजे बताए गए हैं। सर्वे ने दी साक्ष्यों, शिलालेख और वर्तमान ढांचा की स्पष्टता। 4. रिपोर्ट के अध्याय, पहले अध्याय में संरचना और विवरण सर्वे के निष्कर्ष, दूसरे और तीसरे अध्याय में वैज्ञानिक अध्ययन और साक्ष्यों का विवरण है, चौथे अध्याय में ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरों का चस्पा।